अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है स्पेशल हलीम। तो हलीम के लिए सबसे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जी, तो सबसे पहले हम एक बाउल में सारी दालें निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं दाल मसूर निकाल रही हूँ। गोश्त में ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। गोश्त में मैंने गरम मसाला, नमक और हल्दी डालकर उसको बॉईल कर लिया था और उसका पानी और गोश्त दोनों अलग कर लिया था, यानी गोश्त की यखनी अलग कर ली थी मैंने। मैंने दाल चना भी ऐड कर दी है, दाल मूंग और अब ये दाल माश भी चली गई है। अब हम इसमें दलिया डालेंगे। मैं दलिया यूज़ कर रही हूँ। दलिया को गलाना आसान होता है, गंदम गलाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए, लेकिन अगर आप गंदम यूज़ करना चाहते हैं तो आप गंदम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप अलग पहले से बॉईल कर लीजिएगा। जी, तो अब दालों को वॉश कर देंगे, अच्छी तरह से इनको वॉश कर लीजिएगा। जी, तो दालें मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं और अब इसको मैं उसी पानी में डाल रही हूँ जिस पानी में मैंने गोश्त डाला था। गोश्त मैं निकाल चुकी हूँ, अब सेम पानी में मैं दालें डालकर अच्छी तरह से पकाऊंगी। दालों को हम बहुत हल्की आंच पे पकाएंगे, वरना दालें जल भी सकती हैं, जिससे हलीम का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। दालों की पकाई के दौरान हम इसमें हर थोड़ी देर बाद चम्मच ज़रूर हिलाते रहेंगे और फिर इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने तकरीबन इसको एक घंटे तक पकाया था, आप भी इसको एक घंटे तक पकने के लिए छोड़ दें। एक घंटे के दौरान जो है वो चम्मच ज़रूर हिलाते रहें। जब तक दालें होती हैं हम गोश्त के रेशे कर लेते हैं। जी, तो एक घंटा हो चुका है और दालें पक के बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे या फिर आप जूसर में डालकर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। जी, तो दालें बिल्कुल ब्लेंड होकर तैयार हो गई हैं। अब हम कोरमा बनाएंगे। मैंने प्याज पहले से स्लाइस कर ली, अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले ऑयल डालें और इस ऑयल में हम सारी प्याज डाल देंगे। मेक श्योर ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। स्टार्ट में प्याज हल्की आंच पे फ्राई करें, उसके बाद फ्लेम मीडियम कर दें और चम्मच ज़रूर हिलाते रहें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जी, तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इस सारे प्याज को निकाल लूँगी। प्याज मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब उसी सेम ऑयल में मैं थोड़ी सी और प्याज ऐड करूँगी। तकरीबन ये दो प्याज होंगी जो मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको भी मैं हल्की आंच पे जो है वो ब्राउन करूँगी। जी, तो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले में बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, ये सब चीज़ें जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। चम्मच चलाते हुए अदरक लहसुन को हल्की आंच पे फ्राई कर लें। जी, तो अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्ची। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने पहले से ही कट करके रख ली थी। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर जो है वो फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें दही डालूंगी। इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें रेशे किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। जी, तो दही मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड कर रही हूँ जिसके मैंने पहले से रेशे कर लिए थे। अब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जो मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन 5 मिनट तक भून लेंगे। जी, तो कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें ब्लेंड की हुई दालें मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके दालें डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जी, तो मैंने दालें और गोश्त को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। गोश्त में दालें ऐड करने के बाद इसको कम से कम 20 मिनट तक ज़रूर पकाएं ताकि गोश्त और दालें यकजान हो जाएं। जी, तो हलीम ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, तो इसमें अब मैं सिरका ऐड करूंगी, सिरका, विनेगर, जो भी आप कहें, और सोया सॉस ऐड करूंगी। इससे फ्लेवर जो है वो और अच्छा हो जाता है। मुझे ये पसंद है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जी, तो हलीम पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है और अब हलीम में मैंने प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची जो है वो कट करके वो मैंने मिक्स कर दी है। अब इसको आप बाउल में निकाल कर सर्व करें।
होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। बाय बाय।